हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख ग्रीन स्टडी। आज एबीसी एनालिसिस का लेक्चर नंबर सेकंड होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एबीसी एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास एबीसी एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था, बराबर है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो एक्टिविटी है जिस पे बेस्ड है उसी से अपने को उसका कॉस्ट पर निकालना है। क्लियर है? देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया अभी अपने सामने। अंडर एबीसी वैको लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ मंथ। प्रजापति ध्यान देना क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। पर्टिकुलर्स में सेटअप कितना लगा है, परचेज ऑर्डर कितना है, प्रोडक्ट टेस्टिंग कितना है, टेम्पलेट ईचिंग कितना है, फैसिलिटीज क्या है और उसका टोटल क्या है, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड खर्चा, एक्सपेक्टेड सेटअप्स या परचेज ऑर्डर, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये सब इंफॉर्मेशन दिया है। ये एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल एंड एक्चुअल इज गिवन टू। समझना आपको कि अपने को दो एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन है और दो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। सवाल ये है कि अपने को पर सेटअप, पर ऑर्डर, पर टेस्टिंग अगर निकालना है तो एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालना है कि एक्चुअल बेसिस, बस यही समझना है सम के अंदर। व्हाट अमाउंट ऑफ ओवरहेड वाज अप्लाइड टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग जून यूजिंग एबीसी एनालिसिस। अगर मैं सेटअप की बात करता हूं तो सेटअप टोटल एस्टिमेटेड कितना है, एस्टिमेटेड खर्चा 18,000, एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है 19,000, एक्सपेक्टेड सेटअप कितना है, एक्चुअल में लगा कितना है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्टिविटीज रेट की तो सबसे पहला है सेटअप, कितना सेटअप का खर्चा है 18,000 एस्टिमेटेड, पर सेटअप कितना है 50 सेटअप लगाने वाले तो पर सेटअप का खर्चा कितना आ रहा है 360 पर सेटअप। बट क्या एक्चुअल में 360 रुपए का खर्चा होने वाला है क्या? नहीं, हमारा खर्चा कितना होने वाला है 45 सेटअप्स के लिए होने वाला है, बराबर है? तो जब मैं कॉस्ट शीट प्रिपेयर करूंगा तो ये रेट पर यूनिट लूंगा, मतलब रेट पर सेटअप लूंगा, बट जितना लगने वाला है उतना ही सेटअप का कॉस्ट आने वाला है। नहीं, 18,000 का खर्चा है एस्टिमेटेड और एस्टिमेटेड सेटअप कितना है 50, तो पर सेटअप का एस्टिमेटेड खर्चा कितना है 360 रुपए पर सेटअप। एक्चुअल में जितना सेटअप लगाएंगे हम उतना 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल ओवरहेड्स मतलब एक्चुअल में उसको खर्चा कितने का आया, 19,000 का आया 45 सेटअप का, तो अपने वो कंपेयर करने बोलेगा तो हम कंपेयर करने वाले, बट एस्टिमेटेड बेसिस पे हमने उसका पर सेटअप का कॉस्ट निकाला है। परचेज ऑर्डर कितना है 1,050, कितने ऑर्डर है 525, पर ऑर्डर कितना हुआ 2 रुपए, प्रोडक्ट टेस्टिंग 3,500, 350 के हिसाब से 10 रुपए, प्रोडक्ट इचिंग की पर कितना आ रहा 1,120, कितना है 28 इचिंग्स 40, फैसिलिटीज में 2,000, 8,000 स्क्वायर फीट का 2.50। क्लियर यहां तक? अब आ जाते हैं वर्कशीट के ऊपर, जो एक्चुअल में वर्कशीट प्रिपेयर करने वाले। तो भाई सेटिंग अप के लिए कितना सेटअप लगा अपने को, पर सेटअप कितना आने वाला है, एक्चुअल खर्चा कितना आने वाला है, दिस इज माय एक्चुअल एक्सपेंसेस, जबकि उधर उसने बोला एक्चुअल में कितना खर्चा हो रहा है तुमको 19, बट एक्चुअल में खर्चा कितना आने वाला है 16,600 का ही। आगे प्रोडक्ट ऑर्डर कितना 525, बराबर है 525 ऑर्डर ही दिया है, पर ऑर्डर कितना है 2 रुपया, तो इंटू 2 करूंगा कितना आ जाएगा 10। फिर टेस्ट कितना किया 340, एक्चुअल में पर टेस्ट कितना है 10, 3,400, 32 इचिंग्स कितना है पर इचिंग के लिए 40 रुपए, 1,280, फिर 8,000 स्क्वायर फीट का तो सेम ही रहने वाला है, 8,000 इंटू 2.50 20,000 रुपए। टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल खर्चा हो गया 41,930, जबकि एक्चुअल में खर्चा कितना बताया गया तुमको 45,300 रहेगा, यहाँ पे 45,300 रहेगा शायद, ठीक है? क्लियर हुआ? यहाँ पे दिया था अंडर एबीसी वैल्को प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ, व्हाट अमाउंट ऑफ ओवरहेड वाज अप्लाइड टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग जून यूजिंग एबीसी एनालिसिस। तो हमारे हिसाब से उसके ऊपर कितना खर्चा आने वाला है 41,930, उसने इतना खर्चा किया है बट एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे उसको कितना खर्चा आने वाला है 41,930 का। बस समझ में आया, सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते सेकेंड प्रोडक्ट पे जाते, ये ऐसा ही है सम्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको।
ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच अभी चालू नहीं किया है, आज भी सेम ले रहता हूँ, इसके बाद के लेक्चर में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच जो है वो सब ले लूंगा, टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कॉमन फैसिलिटी, द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ इज प्रेजेंटेड टू यू। ए एंड बी दो अलग प्रोडक्ट है, यूनिट प्रोड्यूस दिया 1000 और 2000, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिया है 2 रुपए 3 रुपए, मशीन आवर पर यूनिट दिया 6 रुपए 1.5 रुपए, सेटअप ऑफ मशीन दिया 15 और 50, ऑर्डर दिया है 18 और 70। ये हर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मशीन एक्टिविटी का खर्चा दिया हुआ है, सेटअप का खर्चा दिया है, फिर ऑर्डर का खर्चा दिया हुआ है। एक्सपेंस एक्सपेंस से डिवाइड होगा, सेटअप सेटअप से डिवाइड होगा, ऑर्डर ऑर्डर से डिवाइड होगा। आप देख सकते हो आपको दिया भी गया है। कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्ब यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। चलिए ठीक है, प्रोडक्ट एक ही बात करता हूँ। मशीन आवर्स कितना बोला है, मशीन आवर फॉर प्रोडक्ट है 6 और एक्टिविटीज भी दिया गया आपको कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, तो 6 आवर्स × 1 प्रोडक्ट कितने आवर्स हो गए, मशीन आवर्स हो गए। बी के लिए कितना हो गया, बराबर है। आगे सेटअप कितना लगने वाला है, क्वेश्चन में दिया 15 और 50, बराबर। ऑर्डर कितना होने वाला है, 18 और 30। ये तीन ही चीज चाहिए ना अपने को। अब खर्चा को डिवाइड करते तो मशीन एक्सपेंसेस कितना है, 3 लाख, 3 लाख दोनों के लिए, दोनों के लिए मतलब 6 + 3 9000 आवर्स के लिए। ऐसा फर्स्ट सम किया था अगर याद होगा तो, यहाँ पे 6 आवर्स + 3000 टोटल 9 आवर्स का मशीन का खर्चा कितना है, 3 लाख। 15 + 50 = 65 का खर्चा है 30, 18 + 70 = 88 का खर्चा है 35। और अपने को ए का खर्चा और बी का खर्चा निकालना है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख / 9000 क्यों समझाना, तो यहाँ पे पर आवर्स कितना हो गया 34। फिर उसके बाद सेटअप का खर्चा 30000 / 65 कैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद लास्ट क्या है 35 / 88 कितना हो गया, समझाइए। अगर वो क्वेश्चन में ए बी ए का प्रोडक्ट किसका बज रहा है भाई, भाई अभी ये म्यूजिक का कुछ आ गया ना तो तू फंसेगा। ए भाई ए चल ना बैठना, वो उसका कुछ हो गया रहेगा, चल हाँ कट कर देना, चल बैठ जा बस। हाँ इधर ध्यान दे। द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ प्रेजेंटेड टू यू, कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्ब यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी ए और बी के लिए अगर अलग अलग कैलकुलेट करना है तो ए की बात करता हूँ, तो मशीन का ओवरहेड कितना है 34 पर आर, सेटअप 462 और इसके लिए बराबर है। तो यहाँ पे कितने आवर्स लगने वाले, यहाँ पे इसका कितना टोटल आवर्स लगा है 6000 आवर्स लगा है, पर आवर का कितना है 34, तो 6000 × 34 ए के लिए कितना हो गया, अच्छा सब साथ में कर रहा हूँ, इधर कितना है 15 × 462 + 18 × 398, तीनों को साथ में किया है, अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, मतलब 34 × 6000 462 × 15 398 × 18, और सबको इकट्ठा ऐड करके दिखा दिया, अलग अलग करोगे तो भी चलेगा। बी की बात करूँगा तो बी का कितने आवर्स है 3000 आवर्स, पर आर कितना है 34, फिर 462 × 50 करोगे एंड 398 × 70 करोगे, टोटल खर्चा 1,50,000 रुपीस, समझा, क्लियर है। अब ये सब चीज तीन अलग अलग चार्ट के जगह पे एक चार्ट में ही बन सकता है, आप एक चार्ट में भी तीनों आंसर को एक साथ प्रेजेंट कर सकते हो, वो प्रेजेंटेशन का काम है। डन है सम, पक्का कर सकते हो ना, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या बस। एबीसी लिमिटेड इज द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉस्टिंग बजटेड ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम्स आर गिवन यू। बजटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट ड्राइवर, बजटेड वॉल्यूम दिया गया है। एक्चुअल कंपनी हैज प्रोड्यूस अ बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट, इट मटेरियल कॉस्ट इज 2,60,000, लेबर कॉस्ट इज 4,90,000। यूजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द सेट बैच आर एज फॉलोस, मटेरियल ऑर्डर में 52 ऑर्डर्स आए, मटेरियल मूवमेंट में 36 है, सेटअप में 50 है, मेंटेनेंस आवर्स दिया है, क्वालिटी कंट्रोल दिया है, मशीन आवर्स दिया गया है। कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट दैट आर यूज फॉर ट्रेसिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू द सेट बैच, द कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट। इन शॉर्ट करना कुछ नहीं है, जो आपको दिया है सबका पर यूनिट फाइंड करने बोला, जैसे मटीरियल प्रोक्यूटमेंट का खर्चा बजटेड मतलब एस्टिमेटेड बोल सकते हो,
कॉस्ट ड्राइवर किस पे डिवाइड करने बोला है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, और बजटेड वॉल्यूम यूनिट्स दिया गया है कितना है। मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है किस पे डिवाइड करने बोला है, नंबर ऑफ मोमेंट पे। ये किस पे डिवाइड करने बोला है, मेंटेनेंस आवर्स पे। ये किस पे डिवाइड करने वाला है, नंबर ऑफ सेटअप पे। ये किस पे डिवाइड करने वाला है, इंस्पेक्शन पे। ये किस पे डिवाइड करना है, मशीन। और आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, मशीन का खर्चा कितना, मटेरियल का, लेबर का। फिर उसके बाद दिया है मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल मूवमेंट, सेटअप, मेंटेनेंस आवर्स, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, मशीन आवर्स, ये सब चीज दिया गया है। बराबर है, सिर्फ आपको डिवाइड करने आना चाहिए एक एक करके। स्टार्ट कर दो, पहला मटेरियल प्रोक्रूटमेंट कितना है, मटेरियल प्रोक्रूटमेंट का खर्चा, इसको वॉल्यूम कितना है इसका दिया गया है, कितना आया 527 पर यूनिट निकाल लिया। नेक्स्ट मटेरियल हैंडलिंग कितना दिया गया है, 5 लाख डिवाइड बाय कितना है वॉल्यूम इसका, 1360। उसके बाद सेटअप कितना दिया है, मेंटेनेंस ऑफ सेटअप 8 लाख रुपए, सेटअप है ना 8 लाख 30, 8 लाख 30 है, एक बार टेक्स्ट बुक चेक कर लेना, यहाँ पे 80 लाख दिख रहा है, यहाँ पे 8 लाख 30 दिख रहा है, एक बार टेक्स्ट बुक करेक्शन, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे 80 लाख ही रहेगा, डिवाइड बाय 1040 करो, 798 आप चेक कर लो कितना आ रहा है, टेक्स्ट बुक में शायद सेम प्रिंट है इसके लिए ऐसा आया, यहाँ कितना है, मतलब 80 लाख डिवाइड बाय 1040 करके देखो ना, अच्छा इधर खर्चा ही 8 लाख 30 है, यहाँ पे करेक्शन करना 8 लाख 30, क्वेश्चन गलत है, बाद में सॉल्यूशन में 8 लाख 30 दिया हुआ है। उसके बाद मेंटेनेंस कितना है, 19 लाख 40 डिवाइड किया 115, हर्ष होता ही उम्र में। क्वालिटी कंट्रोल 352, इंस्पेक्शन कितना है 1895, मशीनरी 14 लाख 40, 48,030 हमने पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया है। अब जितना खर्चा हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना हुआ है भाई, 2,60,000। बराबर, डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है, 4,90,000। बराबर, टोटल कितना हो गया, 7,50,000। उसके अलावा ये सब वेरिएबल खर्चा है, ये फिक्स्ड खर्चे में आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब वेरिएबल खर्चे में जाएंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल खर्चे में सबसे पहला है मटेरियल प्रोक्रूटमेंट, कितना खर्चा है 527 पर ऑर्डर। प्रोक्रूटमेंट जो है, प्रोक्रूटमेंट किस पे बेस्ड है, ऑर्डर पे। तो हमने कितना ऑर्डर दिया है, 52 ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आएगा 52 ऑर्डर इनटू 527। अरे समझा, हाँ, तो यहाँ पे 27,404। उसके बाद है मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग किस पे है, नंबर ऑफ मूवमेंट, नंबर ऑफ मूवमेंट में कितना मूवमेंट है, 36 पर, कितना है 368, तो यहाँ पे आ जाएंगे 36 × 368, क्लियर है। उसके बाद है सेटअप लिया हुआ है, तो सेटअप ही ले ले जाओ, कितना है भाई सेटअप का, 798, और नंबर ऑफ सेटअप कितना है, 50, क्लियर। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस कितना है, 115, कितना मेंटेनेंस आ रहा है, 1380, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कितना है, 195, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन कितना है, 56, तो 56 × 195। नेक्स्ट उसके बाद है मशीन आवर्स, मशीन आवर्स कितना है, 30, और टोटल मशीन आवर्स 3600, इसका टोटल खर्चा आ गया है 3,58,000। अगर पूरा खर्चे की बात करूंगा तो कितना खर्चा आएगा, 7,50,000 प्लस ये, क्लियर है, समझा क्या हुआ, 100%। और है क्या भाई, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन 5,200 कंपोनेंट, तो डायरेक्ट कॉस्ट है 7,50,000, ओवरहेड्स का खर्चा है 3,58,000, टोटल खर्चा है 11,08,172। तो देखो सम्स वही है, खाली अलग अलग तरीका है पूछने का, बाकी यही चीज आपको समझना है कि कौन सी चीज को किससे डिवाइड करना है। पर यूनिट का कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो एबीसी हो जाएगा, ठीक है, पक्का। और कुछ है नहीं, बस आज इतना ही समझा, तो आज इतना ही करते हैं। फ्री वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।